तो जी वेलकम टू बराए पानी नेचर कैंप। हम पहुंच चुके हैं बराए पानी नेचर कैंप। ये भाई साहब उसका गेट है, शायद हम पहले बंदे जो एंट्री कर रहे हैं और कोई अभी तक नहीं आए हैं। फिलहाल हम जल्दी से एंटर कर रहे हैं, हमें नहाना है, तैयार होना है। फिलहाल अब ये सबसे अच्छा चीज़ है, सोलर सिस्टम का यूज किया जा रहा है, सोलर पैनल्स का यूज किया जा रहा है। आई थिंक इट्स ग्रेट। सो दिस इज द व्यू। काफी कुछ वहाँ पे खेलने के लिए है। हेलो बच्चे, वो भाग भाग के आ गया। वो देखिए, वो ऊपर चलने के लिए भी है। अरे साइकिलिंग भी है यार, साइकिल भी बहुत सारे हैं। तो साइकिल पकड़ के कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं वो तो हम आपको पूछ के ही बताएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता। ये देखिए साइकिल्स 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 एंड यहाँ का सारा कुछ। टाइम चेकआउट चेक इन ब्रेकफास्ट 8 AM to 9:30, लंच 1:30 to 3। भाई ये यहाँ का कुछ व्यू है एंड दिस इज आवर रूम। दो क्वीन साइज बेड, दो सोफास एंड यहाँ पे ये एक ड्रेसिंग टेबल, दो चेयर्स एंड यहाँ से भाई व्यूज। अरे हमारे फ्रंट में ही हमारा गाड़ी पार्क्ड है यार, और क्या चाहिए। यहाँ से बैठ के व्यूज देखेंगे। यहाँ पे दो कबोर्ड्स एंड दिस इज द बाथरूम। बाथरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आई थिंक ये अभी अभी बनाया गया है, तो बस सही है। तो पहले ये सारा गाड़ी से सामान उतारते हैं, नीचे निकलते हैं, फिर अभी चलेंगे कहीं पे साइटिंग करने, क्योंकि खाना 1 बजे तक होगा, तो हम थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। एंड गाड़ी का तो कंडीशन ही खराब है भाई। हाँ, अमन ने काफ़ी अच्छी तरीके से खर्च किया है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा बनाया गया है। लेकिन ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ने ठीक से पहले मिट्टी में पानी नहीं डाले थे, तो पूरा दब के फट चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है, मैं ये नहीं मना करूंगा। काफ़ी ब्यूटीफुल सा व्यू है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा वैली के अंदर है। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं। तो बेसिकली भैया बोल रहे थे ये गवर्नमेंट का कैंटीन है, आपको अगर आना है यहाँ पे, इस तरफ आप चल रहे हैं तो यहाँ पे टोकन काट के आप खाना खा सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा जो लंच है वो 1 बजे तैयार होगा। अभी 12:10 हुआ है, तो हम और 50 मिनट में और एक प्लेस घूम के आ जाएंगे, इसीलिए हम निकल चुके हैं। तो भैया अभी हम जा कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। तो 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो फिर ठीक है। भैया का कहना है कि आप हमारे वो पिछले वाले जो देखे होंगे जो वाटरफॉल, तो वो जैसे गांव के नाम से था, ये भी वैसे ही गांव के नाम से है, शायद वैसे ही है ना। हाँ भाई, गांव के नाम से ही है। तो हम अभी चल रहे हैं बोराई पानी वाटरफॉल, जो कि ये बेस कैंप से वो आएगा करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर, ऐसा भैया का कहना है। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे कुछ चिकन है, चिकन का प्लेट्स है। ये जो सारा कुछ काला काला हिस्सा है, बेसिकली इसको जलाया जाता है साल के पत्ते से। मसाला वसला पूरा कुछ चिकन को मैरिनेट किया जाता है। ये बोल देता हूँ, देसी चिकन नहीं है, ब्रॉयलर चिकन है। तो चिकन को मैरिनेट करने के बाद ये लग तो रहा है स्मेल से काफ़ी टेस्टी होगा। तो आप भी आइए कभी, एक बार ट्राई कीजिए। भैया हमें दिखाने ले जा रहे हैं प्रोसेस। तो ऐसा कुछ होता है प्रोसेस। ये साल के पत्ते हैं, ये साल के पत्ते हैं ना, साल के पत्ता, ये साल के पत्ते हैं। तो ये पूरा चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा है,
आप अगर कभी इस तरफ आ रहे हैं तो भाई मैं दावा करता हूँ काफ़ी अच्छा टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से जो स्मेल आता है काफ़ी मज़ेदार सा है, काफ़ी टेस्टी वाला स्मेल है। तो ऐसा कुछ प्रिपेयर होता है एंड उसको पूरी तरीके से ढक के, ये देखिए ये ढका जा रहा है, तो ऐसे पूरी तरीके से ढक के आग में डाला जाता है, उसके बाद ये पूरा रेडी होता है। तो हम भी लेंगे, हम भी टेस्ट करेंगे जी। वहाँ भी वही प्रोसेस चलता है। एट लास्ट हम रह ही नहीं पाए, खरीद लिए खाने के लिए। कैसा हसबेंड भैया? टॉप क्लास। टॉप क्लास है भाई, आगे इसको भी खाना, काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार सा चीज़ है। हम तो भैया खाते हैं, आप एंजॉय कीजिए मांडो भैया के साथ। वो वेजिटेरियन, हाँ भैया, ये लो, ए कैमरा पकड़ो। देखो इन दो जानवरों को अकेले अकेले खा दे रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। आओ 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 आओ, आते आते खाइए खाइए खाइए, जल्दी। ये देखिए, ये घर के पीछे ये फ्लावर्स की खेती किया जा रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है भाई। मुझे जो भी दिख रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जंगल, ये वादियाँ, ये लंबे लंबे पेड़ एंड ये चिकन। वो जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ना, हम वहाँ चल रहे हैं अभी, यहाँ से पूरा नीचे उतरेंगे एंड चलेंगे भाई उस तरफ। कहाँ रुक गया वो, इसके अंदर ये देखिए, ये रहा वाटरफॉल। अभी पूरा नीचे उतरेंगे एंड देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे वो ब्यूटीफुल सब वाटरफॉल, जो कि दूर से ही इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो पास जाके क्या होगा वो तो आप इमेजिन कर ही लीजिए। तो चल रहे हैं बराह पानी वाटरफॉल। भाई साहब, आगे मैं जो वाटरफॉल दिख पा रहा हूँ वो तो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ गजब का फॉल है। सो हियर इज इट, बरही पानी वाटरफॉल। बरही पानी वाटरफॉल इज वन ऑफ द हाइस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा, लोकेटेड विथिन द कंट्रोल ऑफ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। बेसिकली ये देखिए, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 2। कहा जाता है कि ये इस इंडिया का सेकंड हाइस्ट वाटरफॉल है, मुझे नहीं पता क्या सही है, लेकिन आई थिंक ये होगा, क्योंकि जो व्यू है अभी तक आपको तो मैं वो दिखाया ही नहीं हूँ। ये देखो भाई, लाजवाब, एंड नीचे भी काफ़ी कुछ है जो कि यहाँ से दिख भी नहीं रहा है भाई, उतने हाइट से यहाँ नीचे तक गिर रहा है, और क्या चाहिए यार, क्या व्यू है, आपको फ़ोन से दिखाता हूँ ना। यहाँ का क्या हाइट है आपको इससे तो पता चल ही रहा होगा, ये सचमुच लाल जब्बा है। यहाँ पे ड्रोन लाना चाहिए था, यहाँ पे अगर ड्रोन उड़ता ना भाई, क्या बोलते हो सुवेंदु भैया? और कुछ नहीं, हमारा व्यू 1 मिलियन हो जाता है। वो तो सही है भाई साहब, क्या दिख रहा है, मैं आपको इस कैमरा से ये व्यू को जस्टिस करवाने नहीं आया हूँ, ना कि कर भी सकता हूँ ना, क्या सुवेंदु? हम जो देख रहे हैं ना ये कैमरा, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है फिलहाल, मानंद भैया वहाँ खड़े हैं, शायद कुछ और भी ज़्यादा व्यू होगा। आप ये व्यू देखने के लिए तो भाई खुद आना पड़ेगा बराह पानी वाटरफॉल, तो आ जाइए यार, इसको देखिए, मज़े लूटिए। एंड लोग बोलते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइगर नहीं है तो क्यों जाएँ,
नहीं भाई टाइगर देखने मत आओ, ये देखना आओ, जिंदगी के मजे यही है। टाइगर क्या है, आ जाएगा तो क्या करेगा, आ जाएगा, दिख जाएगा, चला जाएगा, बस खत्म। लेकिन ये आता रहेगा। एंड यहाँ पे हम आते हैं साइड सीट करने, एंड कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे नेटवर्क ढूंढने, हमें ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो बात करना चाहते हो भैया, यहाँ पर जियो का नेटवर्क आ रहा है इतू से। देखो हमारा सूत्र सही है, एंड यहाँ से भी वाटरफॉल काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। फिलहाल ये तो जंगल है भाई, टाइगर फाइगर आ गया तो यहाँ से कैसे भागेंगे, क्योंकि ये भाई कोर एरिया है। आपको अगर पता होगा दिखा दो भैया, रास्ते में आते वक्त बोल रहे थे कि एक जगह पे वो टाइगर स्पॉट किए थे। तो भाई इस सेक्शन में मत आओ, कोर एरिया है, मैं तो बस आपको फॉल दिखाने लेके आ गया। तो काफ़ी मज़ेदार सा व्यू है, मज़ेदार सा सीनरी है, भूख बड़ी तगड़ी लगी है। तो लड़के को आप देख रहे हैं ना, वो लड़का मानवेंद्र, भेज मिलेगा कि नहीं वो पूछने गए हैं। और क्या बताओ भाई, भेज के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं ना, पता नहीं। डाइनिंग हॉल में घुस गया है बंदा। ये ड्राइवर सेट है, आप ड्राइवर वगैरह लेके आते हैं तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। एंड वो जो हमारे साथ गाइड आते हैं ना, उनके लिए वहाँ पे है। तो सही है जी, ये भाई पेड़ चढ़ने के लिए, इसको तो हम चढ़ पाएंगे नहीं, यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है जी। आप देखिए यहाँ से यहाँ, ये नीचे एंड वहाँ ऊपर, काफ़ी अच्छा सा एक्टिविटीज़ बनाया गया है यार। एंड वहाँ पे वो टावर है, यहाँ पे ये टावर है, वहाँ पे ऊपर चलने के लिए वो बनाया गया है, एंड नीचे ये ब्यूटीफुल सा कुछ कमरा वगैरह, एंड ये सारे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये मज़ेदार बना होगा, ये तो मुझे पता है जी। तो यही था बराहपाणी नेचर कैंप, इको रिट्रीट जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसका बाहर से व्यू कैसा दिखता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वेलकम टू बराहपाणी नेचर कैंप। तो दिस इज द डाइनिंग एरिया, एंड ये सारे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 कमरे हैं, वहाँ पे भी 4 कमरे हैं, एंड ये 2 कमरे ये अलग से क्यों है भाई, मुझे नहीं पता ये 2 कमरे अलग से क्यों है, लेकिन अलग सा है तो है। हम चलते हैं रूम की तरफ, अंदर कोई है क्या? हाँ जी। तो आपको हमारे रसोई साहब ने क्या बताए, कुछ वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। नहीं हम प्योर नॉन वेजिटेरियन है, हम भेज नहीं जो दे उसको वो मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। ये देखो जी, ये देखो काफी अच्छा सा पेंटिंग हुआ पड़ा है। फिलहाल ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, अब कर देता हूँ यार, ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, ये जो लाइट्स वगैरह सब कुछ चल रहा है, ये पूरा तरीके से चल रहा है सोलर से। आपको मैं पिछले ब्लॉग्स में दिखाया होगा या अभी दिखा दूंगा। ये देखिए वहाँ दिखता है कि नहीं, यहाँ से नहीं पता। ये देखिए वहाँ पे सोलर से सारा कुछ वहाँ सोलर में बनाया गया है। तो भाई सोलर बाबा की जय। यहाँ एक और बात, इस फॉरेस्ट रेंज के अंदर एक भी करंट वायर नहीं आया है, जो कि हमें बताया गया है। तो भाई बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग नहा धो के फुल्ली तैयार है, चल रहे हैं डाइनिंग की तरफ। 1:30 से 3 PM लंच टाइम है भाई, एंड अभी 2:20 हो रहा है, हम काफ़ी लेट हैं, लेकिन सही है सही है। बस तो बेसिकली यहाँ पे बुफेट चलता है, बुफेट सिस्टम चलता है, आपको जो खाना है ले लो,
आपको दे देंगे। एंड दिस इज द कूलेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन, मस्त प्लेस है, सुपर डुपर वाला प्लेस है। आ जाओ आ जाओ। तो जी हमारा खाना आ चुका है, राइस दाल पनीर जो कि मैं नहीं खाता हूँ, एक आलू सलाद। एंड ये देखो यहाँ पे है मेरे पास पनीर है। हाँ मुझे वो सारे दे दो। ये देखो पनीर चला गया, फिलहाल ये करेला है एंड ये कुछ फ्राई है एंड ये हमारा उड़ीसा का स्पेशल बड़ी चूरा। भाई साहब आप क्या खा रहे हो, आपका एक कहाँ गया? एक अंडा वाला नहीं है, रोज खाओ अंडे हम नहीं खाते। सही है, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, वो हम नहीं खाते। हम आप लोगों के लिए इतना कुछ दिखा रहे हैं तो एक तो भैया वीडियो को लाइक करना बनता है, एक कमेंट करना बनता है, एक सब्सक्राइब करना बनता है और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करना तो भाई पूरी तरीके से बनता है। तो प्लीज़ यार एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना रखते हैं। मेक योर वे, मेक योर डे एंड लेट्स हैव ए फन। बाय बाय।